अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद विनस। आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिफरेंट टूल्स, जिसमें कॉन्स्ट्रेन आएगा, ट्रांसफॉर्म टूल आएगा, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट आएगा, फ्री डिस्टॉर्ट आएगा, लेयर्स आएगा और रेक्टोपैड आएगा। ये जो टूल्स हैं ये हमारे नेक्स्ट टूल पर मौजूद हैं। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, फर्ज करें कि आप मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सब कुछ टूल्स के ऑप्शन आ जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी टूल आपके सामने ऐसा हो कि मिस हो जाए। हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा रेजर टूल और इसकी जितनी भी टाइप्स थी वो पढ़ी, रोटेट टूल मैंने आपको समझाया, स्केल टूल समझाया, वेट टूल लास्ट ट्यूटोरियल में सिखाया आपको। अगर आपने वो मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैक साइड पे जाएं और मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स जो मैंने तरतीब दिए हुए हैं उन सबको देखें, ताकि आपको जो है ना गाइडलाइन प्रोवाइड हो। चलें चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्ट्रेंट टूल के बारे में सिखाऊंगा। कॉन्स्ट्रेंट टूल सेम टू सेम यही है कि आप जो है इस पे मैंने क्लिक कर लिया कि आप किसी भी तरह इसको मूव कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ये आप आम भी कर सकते हो। आम अगर आप टूल सिलेक्ट भी नहीं करते वैसे भी आप छोटा बड़ा करने की कोशिश करोगे तो आप कर लोगे। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो एक सीक्वेंस में होगा, शिफ्ट नहीं पर प्रेस किया होगा तो इस तरह होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट टूल आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। यही हम फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेम टू सेम। अगर टूल में जाके आपने करना है तो आप फ्री ट्रांसफॉर्म इसको कर सकते हैं, बड़ा छोटा बड़ा और सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव टूल का क्या काम है, ये देखें, ये है पर्सपेक्टिव टूल और इधर ये है हमारे पास पर्सपेक्टिव टूल आ रहा। पर्सपेक्टिव टूल पे जब आप क्लिक करते हैं ये चीज़ों को पर्सपेक्टिव बना के आराम से दे देता है आपको। जब ड्रॉ करने लगते हैं तो आपको पेन टूल से कितना मुश्किल लगता है ये चीज़, लेकिन आप देखिए पर्सपेक्टिव टूल की मदद से ये आराम से पर्सपेक्टिव चीज़ों का बना देगा। अगर मैं जस्ट इसको क्लिक करता हूँ और अपने पर्सपेक्टिव टूल को क्लिक करता हूँ तो ये हर तरह का पर्सपेक्टिव जिस तरह का मैं चाहूंगा मुझे बना के देगा। ओके, ये पर्सपेक्टिव टूल मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये चीज इसने बना के दे दी। ओके, ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव टूल का। इसके बाद फ्री डिस्टॉर्ट टूल। फ्री डिस्टॉर्ट टूल जैसे कि नाम से पता लगता है कि फ्री आप किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। बस मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको फ्री डिस्टॉर्ट टूल, ये देखें जैसे कि शेप से पता लग रहा है कि हर तरह से आप फ्री इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये मैंने डिस्टॉर्ट किया, ये मैंने डिस्टॉर्ट किया, ये इधर मैंने डिस्टॉर्ट किया। पर्सपेक्टिव टूल और डिस्टॉर्ट टूल में ये डिफरेंस होगा कि आप जो है ना डिस्टॉर्ट टूल में हर तरह से चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव टूल में किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। करिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ये देखें ये देखें, किसी चीज़ को आसानी से आप बना सकते हैं, ये है टूल का फायदा। ओके, ये चीज़ अगर आप देखते हैं पर्सपेक्टिव टूल हम लोग देखते हैं टेक्स्ट पे कैसा इफेक्ट देता है। आर्टिस्टिक मेंटर, ओके, ये मैंने आर्टिस्टिक मेंटर में लिख दिया, लेकिन जब मैं इसको पर्सपेक्टिव को डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। ओके, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव टूल ऐसी चीज़ पे अप्लाई हो सकता है जो वेक्टर हो,
या कोई आपने पेन से ड्रॉ की हो इन पेन के जरिए, या जो है ना आपने ये शेप्स ली हो उस चीज पे, आराम से पर्सपेक्टिव टू अप्लाई हो सकता है। इस पे अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए डिफरेंट सीरीज हमने रैप की तो देखी, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें दे सकती है, लेकिन पर्सपेक्टिव टूल हम चाह रहे हैं यार हम लोगों ने इसी को यूज करना है टेक्स्ट पे। ऐसे यूज करेंगे, आप इसको राइट क्लिक करके आउटलाइन बना देंगे जो मैंने बना दिया, कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ आ जाए। क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन हो गया। फिर मैं इस पे आता हूँ, फिर पर्सपेक्टिव टूल पे जब क्लिक करता हूँ इसको मैं ऐसा पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। ये देखिए आर्टिस्टिक मेंटोर को कितना जबरदस्त इफेक्ट मैंने दिया, और ये हमारे पास हम इसको सेव कर लेते हैं साइड पे और दोबारा से राइट डाउन करते हैं, या कंट्रोल जी कर ले, नहीं कंट्रोल जी नहीं करते, दोबारा से राइट डाउन कर लेते हैं आर्टिस्टिक मेंटोर। आर्ट प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ दो तीन बार इसकी, राइट क्लिक करके फिर मैंने ये किया, फिर दोबारा पर्सपेक्टिव टूल पे जाता हूँ, कुछ और चीज़ न्यू चीज़ ट्राई करते हैं इसमें, कुछ और डिफरेंट चीज़ बनाने की। एक साइड पे मैं खींच रहा हूँ इसको, लेफ्ट क्लिक किया रखा मैंने, और ये देखिए कितना जबरदस्त है इफेक्ट। हाँ फिर वो में देखते हैं, अगर स्टार्टिंग जब आ रहा होता है तो टेक्स्ट इस तरह करके आ रहा होता है, तो ज़्यादातर जो हम लोग एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, प्रीमियर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, उसमें भी ऑप्शन है पर्सपेक्टिव की। लेकिन अगर आप डिज़ाइन में कोई चीज़ पर्सपेक्टिव की ऑप्शन देना चाहते हैं तो ये बहुत इजी टूल है कि आप इसको पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट को अप्लाई जब करते हैं, ये देखें किसी तरह मैं इसको डिस्टॉर्ट करना चाहूँ खींच के, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये देखें कितना जबरदस्त इफेक्ट इसने दिया। नेक्स्ट एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन किया, दोबारा किया, फिर डिस्टॉर्ट पे जाते हैं और ये चीज इफेक्ट दे देते हैं। ये देखें कितना जबरदस्त इफेक्ट आपके सामने आ गया है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। साथ साथ अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन की तरफ, जो है हमारे पास लेयर और एक्रोबैट का सेक्शन। ये मोस्टली इस जगह पे होता है, मैं इसको कैलकुलस तरफ लेके आया ताकि आप मुझे समझिए। अगर ये सेक्शन आपके पास विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, तो आप जस्ट जाएंगे विंडोज में और आपके पास ये लेयर्स का पैनल आ रहा है, जब इसको क्लिक करेंगे ये देखिए अभी टिक हुआ है, इसका अंदर ही ऊपर है, अगर टिक नहीं हुआ हुआ तो आप इसको टिक कर लें तो ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा लेयर, और ये है आपके आर्ट बॉक्स का सेक्शन। ये दोनों हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, लेयर्स की अगर बात करें तो लेयर्स का ये हिसाब होता है जो कि आप तय लगाते हैं, मीन्स के एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरे कपड़े के ऊपर तीसरा कपड़ा, चौथे कपड़े के ऊपर पांचवा कपड़ा। तो अगर लेयर्स का भी सेम टू सेम यही हिसाब है, फर्ज करें कि मैं पहले ये चीज लिखता हूँ, नेक्स्ट बार कुछ और वर्ड मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट बार मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट बार कुछ और लिख लेता हूँ। लेयर्स का क्या ऑप्शन है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें जो सबसे एंड पे मैंने लिखा है वो सबसे ऊपर लेयर के आ गया, जो सबसे नीचे लिखा है वो इधर आ गया, बाकी इधर आ गया। जो पहले शुरू शुरू में हम लोग बनाते हैं, जो आपका इसके सबसे एंड पे बनाते हैं वो सबसे टॉप पे होता है। आप अगर चाहें तो ऊपर नीचे भी लेयर्स को कर सकते हैं, खास करके फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल को ब्लैक कर दे देता हूँ, आर्ट प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, और इसको ये देखें ये मैंने बाद में ड्रॉ किया, इस वजह से टॉप पे आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि
ताकि आप प्रॉब्लम समझने के लिए सही हो। ये देखें, ये वो टॉप पे आ गया, ये डाउन पे आ गया। ओके, मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैंने ना ब्लैक को ऊपर लाना है, रेड को डाउन पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ब्रिंग इट टू फ्रंट कर दूँगा। ये देखिए खुद बखुद इस जगह पे आ गया। कंट्रोल सी मैं करता हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो मैं लेयर्स वाले पैनल में जाऊँगा, जो ब्लैक वाला सेक्शन होगा उसको लेफ्ट क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा और डिस्टिंग डायरेक्टली। ओके, इतना ईजी सा ऑप्शन है आपके पास कि आप जरा किसी भी चीज़, ये तो दो चीज़ें हैं अगर आप फर्ज करें, मैं दो और इस तरह के बना लेता हूँ। ये देखिए, ओके, ये देखें, ये चीज़ें हमने बना ली। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो ब्लैक कलर है ये ऊपर आ जाए, रेड के ब्लैक ब्लैक के साथ हो जाए और रेड रेड के साथ हो जाए। नज़र तो नहीं आएगा लेकिन कलर चलो चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि आप लोगों में साथ साथ समझ आती जाए। इसको मैं कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ और ऑरेंज कलर। ओके, अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ ये ऑरेंज ऊपर आ जाए, ये डाउन पे आ जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको अभी समझाया, राइट क्लिक करके तो फ्रंट पे आ जाएगा वो डायरेक्ट पे। ये देखिए फ्रंट और बैक की ऑप्शन आपके पास होती है। एक और ऑप्शन आपके पास है तो आप इसको यूटिलाइज करें। ये देखिए लेयर को पकड़ के इसके ऊपर आती है, ये खुद बहुत ऊपर आ गया और ये खुद बहुत डाउन पे चला गया। ओके, यही अगर मैं रेड के साथ करना चाहूँ, रेड को सबसे ऊपर ले आऊंगा, रेड को ड्रैग करूंगा, इनके ऊपर आ गया सबके, वो तो वैसे ही। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऊपर वाली चीज़ को भी डाउन ला सकता हूँ। ये देखिए ये चीज़ आ रही है ऑप्शन, सुबह लेयर्स में ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। फर्स्ट करें ये चीज़ मैंने क्लिक किया है, लेयर्स में मैंने ये चीज़ क्लिक किया तो ये आपके पास डिलीट के ऑप्शन आ रही है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो, कंट्रोल सी मैं करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है आपके पास न्यू लेयर के ऑप्शन। न्यू लेयर का क्या मतलब हुआ, न्यू लेयर का मतलब भी सेम टू सेम इसी तरह ही है कि टैब पे तय लगाना, लेकिन अगर आप बस करें ये मैंने बॉक्स सर्कल्स लगा लिए। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि इससे ऊपर कोई चीज़ और आ जाए उसको मैं बॉक्स पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं न्यू लेयर कर दूँगा ताकि न्यू लेयर पे बॉक्सेस आ जाए और वो जो भी मैं बनाऊँगा इसके टॉप पे आ जाए। ये देखो, ओके, यही चीज अगर इधर से मैं पकड़ के इसके डाउन करूंगा तो डाउन पे चला जाएगा, यही चीज पकड़ के अप करूंगा तो ये अप पे चला जाएगा, ये डाउन पे आ गया। ओके, सिंपल सा वे है आपके पास, कोई मुश्किल लंबी चौड़ी बात नहीं है, इजीली तरीके से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है आर्टबोर्ड की। आर्टबोर्ड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, आर्टबोर्ड एक ऐसे एरिया को कहते हैं जिस पे आप अपना काम करते हैं। ओके, काम मतलब कि डिजाइनिंग करते हैं, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में समझाया कि ए फोर साइज आम नॉर्मल होता है। उसके अलावा आप इस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आर्टबोर्ड की ऑप्शन दे रहा होगा। ये देखिए आपको बता देगा कि आपका आर्टबोर्ड का साइज क्या है और सब कुछ। ये देखें, अगर आप इसको पॉइंट से चेंज भी करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें डॉक्यूमेंट सेटअप में आप जाएंगे, पॉइंट से मैं इसको सेंटीमीटर्स में कर लेता हूँ। ओके, ये आपको बता रहा है 27.94 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और विड्थ है इसकी 21.59। ओके, आर्टबोर्ड का क्या फायदा होता है, आर्टबोर्ड अगर आप जो है फर्ज करें कि आपको कोई कहता है कि मेरी प्रोफाइल बना दो या कुछ चीज़ें बना दो, तो आर्टबोर्ड का ये फायदा होता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फायदा होता है। फर्ज करें कि आपने ये चीज़ बनाई है एक आर्टबोर्ड में, आप दूसरे आर्टबोर्ड में सेम टू सेम साइज में उसको कॉपी कर सकते हो, आप आर्ट प्रेस करोगे
आप एक और आर्टबोर्ड सेम साइज का लगा लोगे, एक और आर्ट प्रेस करोगे सेम साइज का आर्टबोर्ड लगा लोगे, फिर आर्ट प्रेस करोगे और सेम साइज का आर्टबोर्ड लगा लोगे, ओके। और अगर आपने डिलीट करना है, सिर्फ डिलीट का बटन दबाओगे कीबोर्ड से ये डिलीट हो जाएगा, आर्टबोर्ड आपके पास डिलीट हो गया है, ओके। डिलीट किया, ये देखें दो आर्ट बोर्ड हमारे सेक्शन में नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, दो आर्ट बोर्ड नजर आ रहे हैं। तो आर्ट बोर्ड के जब हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे दो आर्ट बोर्ड, ओके। फर्स्ट करें कि हमारे पास ज्यादा से आर्ट बोर्ड्स हैं, ज्यादा से आर्ट बोर्ड्स में बना लेता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि यार फोर्थ वन को मैंने डिलीट करना है, फोर्थ वन पे मैंने डायरेक्ट क्लिक कर लिया, मुझे इस तरह नहीं पता लग रहा है। ये देखिए ये ऊपर छोटे छोटे लिखा आ रहा है 7, 10, 8, 9, 5 सीक्वेंस में आ रहा होता है, ओके। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने हार्ड बोर्ड मजा नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली भी डिलीट कर सकता हूँ। थर्ड को डिलीट करना है तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, ओके। अदरवाइज आप जस्ट सिलेक्शन करके, आर्टबोर्ड पे सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया जी, ये डिलीट हो गया, ओके। सिंपल सा वे है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, मैं आपको पसंद आ रहा, इजी वे है। जो चीज़ आप बनाएंगे इसी सेक्शन में बनेगी, लेयर्स और आर्टबोर्ड्स के हिसाब से ही बनेगी। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई आपको चीज कोई समझ नहीं आई, आप चाहते हो कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ किस चीज़ को, तो आप कमेंट्स पर मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाब देना उसको, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।